नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी .com में। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक में अब कांग्रेस भी होगी शामिल, सोनिया गांधी ने दी हरी झंडी। एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने दी खुशखबरी, 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को सितंबर तक मिलेगी कोवैक्सीन। रिकॉर्ड 84 लाख टीके लगाने के अगले दिन ही बड़ी गिरावट, अब एक दिन में 54 लाख को ही लगे टीके। कमाने वाले की कोविड से हुई मौत, परिवार को दिल्ली सरकार देगी आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले परिसीमन आयोग आज करेगा सभी डीसी से संवाद। बिहार समेत 5 राज्यों में बारिश, दिल्ली में मानसून की मेहरबानी कब। देश में 3 करोड़ पार हुए कोरोना संक्रमित, 1 करोड़ मामले सिर्फ 50 दिन में आए। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच कैबिनेट की बैठक आज। भारतीय नौसेना भारत अमेरिका हिंद महासागर में आज से 2 दिवसीय नौसेनाएं अभ्यास करेंगे। गडकरी आज पहुंचेंगे कुल्लू, चीन से सर्ट सामरिक मार्गों का उठेगा मुद्दा। मंत्रिमंडल विस्तार चर्चाओं के बीच दिल्ली पहुंचे नीतीश, कैबिनेट की बैठक आज। रायगढ़ जिले में करंट लगने से एक हाथी की मौत, पोस्टमार्टम के बाद दर्ज होगा मामला। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, चिदम्बरम बोले रिकॉर्ड बनाने के लिए की गई जमाखोरी। एम्स आज से अस्पताल में ही पंजीकरण कराने के बाद लगवाएं टीका। धर्मांतरण प्रकरण, एनसीआर के 6 मूक भदिर स्कूल थे निशाने पर, एटीएस सक्रिय। पंचायत में बहू का पक्ष लेने पर अपने खून का प्यासा बना बड़ा भाई, छोटे को कुल्हाड़ी से काटा, पत्नी बच्चों को किया अधमरा। दिल्ली शिक्षा विभाग के स्कूलों का रिजल्ट जारी, 9वीं में 1.97 लाख और 11वीं में 1.65 लाख छात्र पास। योगी के चेहरे पर ही यूपी चुनाव लड़ेगी भाजपा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों के साथ बैठक में दिए संकेत। इस्लामाबाद में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5। अमेरिका के बाद अब भारत में मिले AY2 संक्रमित मरीज। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।